पतितानां पावने भो वैष्णवे भो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पथे गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुति तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विषभानसुते देवी प्रणमामि हरि ओम ॐ वृन्दावय तुलसीदेव या वै केशवश्च च देवी सप्तवध्वे नमो नमः भक्ताविहीना अपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्वे कृपामयि त्वां शरणां प्रापन्नाम् वृन्दे नमस्ते चरनविन्दं वृन्दे नमस्ते चरनविन्दं बृन्दे नमस्ते चरनविन्दं भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुर स्मित शैम बदा राधा करुना बराद्र तथो मन स्तिर्न का शैम सुंदर शेखर स्मृहहास मुरली मनोहर राधिकारिखम कृपा निधि सप्रिया ीं कुरु संविदादशने विभो प्रार्थये ब्रजमेन्द्रनन्दनां वस्तु महो न तभातिवल्लभा जन्म जन्मनि मरीश्वरी प्रिया प्राणनाथविसवानुनन्दिनी श्रीमुखाब्ज रस लुलोषटपद राधिका पदपदलिखितो स्थितिं तं भजामिकेन्द्रीकर वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादुर्नबिम्बफला अधुरष्ठात् पूरेन्दु सुन्दरमुखात् अरवेन्दनेत्रात्

राम राम हरी हरी से पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टुत्र सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री रन गोस्वामी महाराज जी की चरण कमरों में अनंत गुरु ष्ट धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमा भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में अनंत पूर्व धन्यवाद प्रणाम तदनंतर नित्यालीन नित्यानंद नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सतमा भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथाज धन्यवाद प्रणाम शिकार हो आज अति सुंदर पवित्र एवं महती तिथि जिसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं प्राग पर प्रतत्त अखंड विश्व ब्रह्मांड के नायक अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता स्वयं व्यन्दन शैम सुंदर की अंतरंग शक्ति शक्ति स्वयं राधा जी के आज आविर्भाव तिथि हम लोग मना रहे हैं श्री भाद्र मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि और अनुराधा नक्षत्र में श्री राधा आविर्भूत हुए थे समस्त राज लक्षणा संयुक्त कन्न कन्ना को संग विषभानु महाराज प्राप्त करके अपने सधन की देवी की प्रदान किया और आज वही रात पर समस्त राज लक्षण संपन्न कन्ना प्रसन्न हुई सुकुमारंगी जम्मू नद स्वर्ण प्रभा त्रिलोक की दुर्लभा अति अद्भुत सौंदर्य सार निष्पन्न विग्रह गोपियों की समस्त प्रकार की आनंद दान करने वाली श्रीमती राधिका और जो कीर्तिका देवी यानी समस्त कीर्ति को जगत के जो है, है धन्य करने वाले उनको मैं प्रणाम करता हूँ इससे महाप्रभु संवाद में बोले मुद्दे कौन कीर्ति गुरु कृष्ण भक्त बोरी यार उसी प्रकार इस संसार में सबसे बड़ी है जो राधा रानी की धारण करने वाले हैं इस कीर्ति दा नामी धन्ना है और जिससे विष्भानु महाराज अत्यंत आनंद से समस्त व्यक्ति को भूरी भूरी दान आदि करने लगे इसके कहा जाता है भूरीदा भूरी भूरीदा अभी हम थोड़ा बहुत अंदर में जाते हैं ये विषभानु महाराज कौन थे और कृतिता सुंदरी जो धारण करने वाली वो कृतिता सुंदरी भी कौन थे उसकी बारी में उनमें अनेक प्रकार जो है उत्कंठा और उत्सुकता जगते हैं इस कथा प्रसंग में बहुत सुंदर एक कथा जिसमें श्री भविष्य पुराण ब्रह्म पुराण ब्रह्मांड पुराण राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण अनेक पुराण में श्री राधा की राधा जी की जन्म वृत्तांत के बारे में बताया गया विशेष करके भविष्य पुराण के अनुसार श्री कृष्ण नारद संवाद में श्री राधा जन्म कथा वर्णन हुई है एक बार सुनकादि ऋषिगण सुत गोस्वामी के निकट श्री राधा के जन्म वितांत में बारे में प्रश्न किया उसे श्रीवाद अत्यंत प्रसन्न होकर के कह कहने लगी हे ऋषिगण यह अत्यंत जो है गोपनीय तत्व राधा जी की राधा तत्व अत्यंत गोपनीय तत्व है विशेष करके जो लोग <coughs> <ब्रह्मुत, coughs> ब्रह्म ब्रह्मचर्य के करते हैं पर निंदा पर चिर्चा में रहते हैं अनेक प्रकार अखाद्यो कुखाद्यो कुमेद्य आदि ग्रहण आदि करते हैं कुछ संस्कार में व कुकार्य में लिप्त रहते हैं उनके निकट यह गोपनीय कथा बोलना उचित नहीं है इसलिए स्वयं सुत गोस्वामी सोनो का ऋषि के निकट कहने लगे हे ऋषिकन आप लोग के निकट में अति संदर्भ में माने अति सावधान से है आप लोग बताता हूं और आप लोग इस कथा को जो है हृदय में धारण करें पाद कहने लगे यह गोपनीय तत्व भगवान श्री कृष्ण नारद जी के बताया एकोदा एक समय श्री से नारद जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पूछने लगे हे प्रभु विषभानु महाराज की पूर्व जन्म की तपस्या और उनके गृह में परम शक्ति स्वरूपिणी राधा जी आविर्भूत हुए थे जो विशेष करके समस्त सुखियों में अत्यंत जो है सर्वसंपन्ना और सर्वलक्ष परम चित शक्ति स्वरूपिणी वह राधा जी की कथा हमें श्रवण कराइए इस कथा श्रवण करके श्री कृष्ण कहने लगे हे ब्राह्मण यह दुर्लभ कथा केवल मुक्त पुरुष ही ये सब कथा को हृदय में धारण कर सकते हैं आपको मैं ये दुर्लभ कथा में बताता हूं अभक्त के निकट इस कथा को भी बोलना नहीं चाहिए ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ कथा है ऋषि भर आपको मैं बताता हूँ क्योंकि शास्त्र में ही वर्णन है स्वयं ब्रह्मा जी कहने लगे मैं साठ हजार साल तक कठोर तपस्या करके पर भी राहाय के तत्व राहाय की, की गुज्ज लीला को मैं समझ नहीं पाता वही ब्रह्मा जी की दुर्लभ वस्तु संग भगवान कृष्ण नारद जी के जो बताया और वही कथा ये भविष्य पुराण में शिला गुस्सा में वर्णन कर रहे हैं इस प्रकार श्री कृष्ण कथा प्रारंभ प्रारंभ किया कहने लगी हे नारद ऋषि सुनिए एक समय सूर्य देव स्वेच्छाए समस्त भ्रमण करते करते और कश्यप ऋषि के आश्रम में पधारे और कश्यप ऋषि की ऐश्वर्य आदि दर्शन करके उनके मन में भी ये वासना जगी ये मैं भी कठोर तपस्या करके ऐसे अपूर्व तत्व को मैं प्राप्त करूं ऐसे कह करके स्वयं सूर्य देव मंदार पर मंदार पर्वत के निकट आकर के वहां पर कठोर तपस्या करने लगे हजारों साल तक समस्त प्रकार भोग त्याग पूर्वक दुष्कर तपस्या करने लगे जिससे संपूर्ण रूप से सांस रोध करके सांस के बंद करके और ऊपर के ऊपर पैर रख पैर मानू रखते नीचे के सिर रखते इस प्रकार कठोर तपस्या करने लगे ऐसे सूर्योदय कठोर से कठोर तपस्या देख करके इंद्र भयभीत हो करके प्रार्थना करने लगे स्वयं इंद्र भयभीत तो होकर के मुझे कहने लगे प्रभु क्या ये पद यानी इंद्र पद स्वर्ग पद स्वर्ग राज्य लेना चाहते हैं इस कथा सुन करके स्वयं मैंने कहा अर्थात स्वयं कृष्ण कहने लगे हे इंद्र सूर्यदेव से तुम्हारा किसी प्रकार भय नहीं है अर्थात सूर्यदेव तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं कर सकते हैं तो इसी प्रकार मैंने इंद्रदेव को मैंने आश्वासन दिया इसके पश्चात संग मैंने, अर्थात अनंतर कृष्ण गोरुर के पीठ में बैठ करके सूर्य के तपस्था के तपस्या के स्थल पर पधारे और उस समय में देव को मैं सुंदर रूप में दर्शन कराया तो दिव्य रूप दर्शन करके देव आनंद में अधीर हो उठे कहने लगी ओहो ओहो मैं मैंता हो गया मेरे जीवन सफल हो गया ब्रह्मा रुद्र आदि की दुर्लभ दुर्लभाधर के प्रभु आप शिष्ट स्थिति प्रलय के एकमात्र कारण हो आप समस्त विश्व के धारक और पोषक हो अकिंचन एवं प्रेम भक्त के सतल हो और भक्त के अवय दाता हो इस प्रकार सूर्य जानी भानु सूर्य के एक नाम है भानु भानु सूर्य देव जानी भानु इसी प्रकार संग मेरा स्तौभ स्तुति आदि करने लगे इस स्तुति को सुनकर के मैं प्रसन्न होकर के कह प्रसन्न होकर के मैंने कहा हे भास्कर हे सूर्यदेव हे भानु तुम्हारे तपस्या में मैं बहुत प्रसन्न हो गया। तब तप, तुमने तपस्या में समस्त सिद्धि प्राप्त किया है तुम्हारा समस्त प्रकार के कल्याण हो और अपने इच्छा बोर प्रार्थना करो इस प्रकार मैं जब आश्वासन दे करके मैंने उनको बताया यह कथा सुन करके स्वयं सूर्यदेव कहने लगे हे भगवान आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हो आपके निकट मैं यही प्रार्थना करता हूं क्योंकि आप सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपूर्ण हे प्रभु आप मुझे ऐसे एक सुंदर संतान को मुझे प्राप्त कराए अर्थ संतान को मुझे प्रदान करें जो संतान यानी जो पुत्री यहाँ पर संतान पुत्री, पुत्री के ऐसे एक पुत्री मुझे प्रदान करें ऐसे एक, एक पुत्री को मुझे प्रदान करें जिससे आपके भी वसीभूत कर, करके रख सकते हैं अर्थात ऐसे मेरा पुत्री समस्त प्रकार गुणों के द्वारा बसीभूत हो करके आपकी भी वसीभूत कर सके इस प्रकार सूर्यदेव जब बार बार यह प्रार्थना करने लगे तब तो मैंने उनको ही, ही बोल दिया तुम्हारे ऐसे होगा mm -hmm. शीत पास गोस्वामी पादि के निकट गण के कह कहने कहने लगे हे सूर्यदेव मैं सर्व अम्तर जामी हूं लीला पुरुषोत्तम मैं हूं तुम्हारी अनंत भक्ति पारायण तुम्हारी स्निग्ध गंभीर वाक्य के द्वारा प्रीति होकर के मैं तुमके ही वर देता हूं ये मेरा ये सर्वशक्ति स्वरूपिणी राधिनी शक्ति स्वरूपिणी और श्रीमती राधिका तुम्हारी कन्ना के रूप में जन्म ग्रहण करेगी हे सूर्य देव मेरे प्राण से भी अधिक प्रिय तमा श्री राधा ही तुम्हार कन्ना रूप में जन्म ग्रहण करेगी मैं ही सदा सर्वदा श्री राधा जी की प्रेम में बसवृत्ति बसवृत्ति हो करके मैं मैं ही मैं सत्य कहता हूं मेरे हृदय में और किसी प्रकार नहीं है और राधाजी ही एकमात्र मेरा स्वयं आनंद की प्रदान करने वाली है और मैं आपके गुण बताता हूं हे सूर्य देव मेरे और राधा जी में कोई भेद नहीं है राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण चतु राधा पूर्ण शक्ति और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान भेद नहीं प्रमान। शक्ति शक्ति मथुर अभिद शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं इस प्रकार मैंने सूर्यदेव को जो है वर दिया था इसी कथा स्वयं सूत संदि ऋषि के निकट वर्णन करने लगे यह भी कहने लगे देख स्वयं भगवान कहने लगे भूभा हरण के लिए एवं धर्म स्थापन के लिए मैं जगत में प्रकट होऊंगा एवं उस समय अनेक प्रकार की विविध की लीला भी मैं करूंगा भक्त के सुख आनंद प्रदान के लिए मेरे अप्रकट प्रकाश उत्तम श्री वृंदावन धाम को मैं प्रकट करूंगा जो साधारण मनुष्य के लिए अत्यंत अगोचर वह वृंदावन मैं प्रकट करूंगा और वही वृंदावन धाम में मैं भी मनुष्य के भांति यशोदा की गृह में प्रकट होकर के मैं भी अनेक प्रकार जन्म लीला प्रकट करूंगा तंड मने हे सूर्यदेव वह वृंदाव वृंदावन के उपकंठ में गाभी वाभिगन के प्रयोग गोकुल नामक स्थान अत्यंत सुंदर वो दिव्य स्थान में मैं आविर्भूत हूँगा जिसको गाय गोकुल कहा जाता है गोकुल गो माने गाय कुल माने समुदाय यहाँ पर गो गोपी ब्राह्मण आदि की समुदाय स्थान है उसकी कहा जाता है वह गोकुल वह गोकुल में मैं भी अपने बाल क्रीड़ा मैं प्रकट करूंगा और ठीक उसी समय आभिर वंश तो भक्त आभिर पृथ्वी वो स्थान, स्थान में आप तत्कुल में मानव रूप में जन्म ग्रहण करोगे और आप ही नाम से प्रसिद्ध हो अर्थात स्वयं भगवान सूर्य देव को जो है कहने लगे ये आप ही निकट उसी स्थान पर नाम से प्रसिद्ध हो महा समित हो महा के द्वारा आप समन्वित होंगे और संग राधा जी आपके कन्या रूप में जन्म ग्रहण करेंगे जिनकी चरण सेवा बड़े बड़े भक्त लोग प्राप्ति करने के लिए कठोर तपसादी तो करते हैं और जिनकी चरण अथवा जिनकी चरण दर्शन के द्वारा भव समुद्र भव रूप समुंदर अति सहज में पार हो जाता है अनास में श्रीमृति राधिकार बसवूर्ति होकर परम स्वरूप मुझे आप प्राप्त करोगे इसी प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण सूर्यदेव के आशीर्वाद देने लगे इस प्रकार कहने स्वयं भगवान कहने लगे ओहो वह राज्य की जिनकी नयन नयन की एक देश की कटाक्ष से और जिनकी हस्त के प्रसाद प्राप्त करके सभी लोग धन्य हो जाते हैं जिस प्रकार चातक, चातक पक्षी मेघ की बारी बर्षण की बूंद प्राप्ति करने के लिए तड़पते रहते हैं हे नारद इस प्रकार सूर्य देव की संतना देकर के मैं उस स्थान से मैं अंतर्ध्यान हो गया इस कथा स्वयं कृष्ण नारद ऋषि को बताया और इसी कथा को सुत गोस्वामी पाद ऋषि के निकट बताने लगे श्री कृष्ण और भी कहने लगे पुनः हे नारद अनंतर मम पिता अर्थात मेरे पिता नंद महाराज और मेरे माँ जशोदा देवी के साथ मैं जोग माया के द्वारा ही नंद गोकुल में मेरा जन्मजनी प्रकट लघु में प्रकाश किया और उसी प्रकार सूर्य देव अपने पत्नी के साथ विश्वभानु महाराज और कृतित का देवी की रूप में प्रकट हुए यह की आदि की जन्म रहस्य भी हमारे आचार्यपाद भी वर्णन बर, किया गया एक एक कीर्तिदा सुंदरी <clears throat> सुनते हैं का कृति दास भी वहाँ पर रिकॉर्ड हुए विस्वाहानु <coughs> सर्व धर्म पर्यन्त विस्वाहानु एवं कृतिदा क्रितिद, नाम ने यह दोनों मुझे वो भी कठोर तपस्या आदि की जिसके तपस्या से संतुष्ट होकर के राधा राभाजी भी प्रकट हुए कल्प भेदी सुहरी कथा विभिन्न कल्पों में राधा जी की जन्म वृत्तांत तो शास्त्र में बताया गया किसी कल्पों में श्रीमती राधिका बरसाना में प्रकट हुए किसी कल्पों में श्रीमती राधिका कीर्तिदा देवी की गर्भ से प्रकट हुए साधारण बालिका के भांति किसी कल्पों में श्रीमती राधिका खोर है और वह पर सुंदर कमल से प्रकट हुई जिससे विष्भानु महाराज ऐसी सुंदर नवजात कन्ना को लेकर के अपनी पुत्री विषभानु महाराज को प्रदान किया किसी कल्प में श्रीमती राधिका अग्नि से प्रकट हुई अग्निशंभुता कहा जाता है किसी कल्प में श्रीमती राधिका अंडे से यानी डिम्ब से प्रकट हुए और किसी कल्प में श्रीमती राधिका राधिकाविल में ए? और उनकी सन्निकट में जोबना और उस जोबना शतः कमल के द्वारा परस्परित होकर के वहां पर प्रकट हुए कल्प हरि हरिकथा श्री भाद्र महीने में शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि में दीवा मध्य भाग भाग में अनुराधा नक्षत्र में श्री राधा आविर्भूत हुए थे समस्त राज लक्षणा संपन्न करना को की देवी जन्म प्रसव किया और ऐसी सुंदर सुकुमारंगी जामुनाथ स्वर्ण युक्त तिलपक सुंदरी सुदुर्लभा अतिशय अद्भुत सौंदर्य के सार स्वरूपिणी श्रीमती राहाई की जन्म वृत्तांत हमारे पाद ने वर्णन किया जिस की जन्म दे करके ही संतिदा उनके नाम की जो है सार्थकता कीर्तिदा समस्त प्रकार के की कीर्ति को प्रदान करने वाले इसलिए उसके नाम हो गया कीर्तिदा कृषिदास सुंदरी <coughs> इस प्रकार सरस्वती को स्वामी कहने लगे हे सोनु का ऋषिगण यह अत्यंत तो गुप्त कथा शॉर्ट दृष्ट पासंडी व्यक्ति के निकट व नास्तिक लोगों के निकट ये राधाई की गुप्त कथा वर्णन करना नहीं चाहिए अर्थात राधा की जन्म वृत्तांत तो अत्यंत गोपनीय है इस राधा राधा जी की कथा यदि नित्य पाठ करे वो मृत्यु के पश्चात साक्षात रूप में ब्रजधाम्य प्राप्त करते हैं। अर्थात नित्य गुरु वृंदावन धाम को प्राप्त कर लेते जिस राधा जी की कृपा प्राप्ति करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी बरसाना में ब्रह्म पर्वत के रूप में प्रकट हुए और स्वयं भगवान विष्णु भी विष्णु पर्वत के रूप में प्रकट हुए जैसे कृष्ण की कृपा प्राप्ति करने के लिए स्वयं महादेव है में पर्वत के रूप में विराजमान हुए ठीक उसी प्रकार राधा जी की ऐसे दुर्लभ प्रेम प्राप्ति करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी भी कठोर तपस्या किया इसलिए राधा कृष्ण की दुर्लभ कथा सर्वत्र कीर्तन करना नहीं चाहिए जो लोग सरल सच एवं निर्मल हृदय वाले हैं उनके निकट ही ऐसी गुप्त कथा गोपनीय कथा वर्णन करना चाहिए कल्प भेदेश हरि कथा इस कल्प की कथा आचार्यपाद वर्णन करते हैं इस कल्प में श्रीमती राधिका राविल में प्रकट हुए थे इस कथा की स्वरूप ऐसी वर्णन होता है ये कृष्ण जब नंद महाराज नंद गांव में रहने लगे उस समय विष्भानु महाराज बरसान में रहने लगे और इसके पश्चात नंद महाराज जब नंद गांव के छोड़कर के जब नंद गोकुल में रहने लगे उस समय विषभानु महाराज भी नंद गोकुल के निकटवर्ती जो गांव और वो रावल में रहने लगे वास्तव रूप में रावल शब्द की अर्थ होता है धनी बा अत्यंत जमींदार कहा जाता है उस समय जमींदार को जो है एक उपाधि दिया जाता है जिसको कहा जाता है रैबल कहा जाता है और परंपरा के अनुसार उस गांव के नाम भी हो गया रैबल हो गया अर्थात जिस गांव में बड़े बड़े जमींदार लोग रहते थे तो इसलिए परंपरा के अनुसार उस गांव के नाम रखा गया रैवल तो विश्वानु महाराज गोकुल के अर्थात नंद गोकुल के निकटवर्ती गांव राविल में रहने लगे अभी कथा प्रसंग इस प्रकार आचार्य पाद वर्णन करते हैं नारद ऋषि सर्वत्र भ्रमण करते करते नंद गोकुल में देखा कैसे गोकुलवासी लोग कृष्ण के जन्म महोत्सव अत्यंत धूमधाम से पालन किया अनुष्ठान किया इसको देख करके नारद ऋषि बहुत प्रसन्न हुए नारद ऋषि मन मन विचार करने लगे जो प्रात पर प्रत कृष्ण जब यहाँ पर ऐसे बाल लीला जन्म लीला प्रकट किया पति अवश्य उनकी सर्वशक्ति सर्वपिणी श्रीमती राधिका भी कहीं प्रकट हुए ऐसे विचार करके नारद जी सर्वत्र भ्रमण करने लगे क्योंकि शास्त्र में लिखा गया जत्र कृष्ण तत्र राधा और जत्र राधा तत्र कृष्ण जत्र राधा तत्र कृष्ण जत्र कृष्ण तत्र राधा राधा कृष्ण एक ही स्वरूप लीला रस आश्चादित धरे दुई रूप है राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है अलग वस्तु तो नहीं है तो नारद ही विचार करने लगे तत्व तो विचार तो करने लगे ये जिस प्रकार अग्नि, आग और आग की है, वो जो शक्ति एक ही साथ में रहता है, है जिस प्रकार कस्तूरी और उसकी सुगंध उससे कभी अलग नहीं हो सकता है ठीक उसी प्रकार कृष्ण और राधा जी एक ही स्वरूप है और अलग नहीं रह सकता है। ए? इसमें पुराण भी, भी लिखा गया ये है, ये कृष्ण कहते हैं एक अहम आई एम ए बहुत सामी जब मेरा मन में इच्छा हुई मैं अनेक रूप को मैं प्रकाश करूं साथ मेरी इच्छा और साथ मेरे लीला के अनुसार सब कुछ प्रस्तुत कर देती है इच्छा शक्ति इसो का कृष्ण की इच्छा शक्ति डिजायर पोटेंसी और उस समय कुमाया सुंदर उपवन प्रस्तुत कर दिया वृंदावन ऐसे दिव्य अपराकृत अलौकिक दिव्य वृंदावन प्रस्तुत किया एं? और साथ प्राहित होने लगे कल, कल 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 करके की जलधारा प्रवाहित होने लगी जमुना के दोनों उपकुल में एं? दोनों स्थान पर सुंदर सुंदर वृक्ष आदि प्रकट होने लगे अनेक प्रकार उपवन अनेक प्रकार कुंज आदि अपने आप प्रकाशित हो गए जहां पर मयूर महीर मयूरी जहां पर कोयल वहाकने लगे अनेक प्रकार पक्षी कलरव आदि करने लगे और एक ही साथ में सर ऋतु वर्षा शरद ये सारी ऋतु एक ही साथ में प्रकटित होने लगे सुगंध आदि प्रवाहित होने लगी, लगी। सबके चित्त के मन को जो है हरण करने वाले और मेरे हृदय में अर्थात कृष्ण के हृदय में लीला करने के लिए उद्दी बना हुई उस समय कृष्ण संग भगवान कृष्ण वृंदावन की जमुना की उप उपकुल में वंशी भट्ट के नीचे एकांत रूप में विराजमान हुए और देखते देखते कृष्ण की डान अंग जो है डाए हाथ व डान अंग जो है, है राइट राइट साइड वो, वो कंपाउंड होने लगे और देखते देखते कल्प हुए। देखते किसी कल्प में संघ बलदेव प्रकट हुए किसी कल्प में सदाशिव शिवजी प्रकट हुए फिर कुछ समय के बाद कृष्ण के बाएं अंग जो फटफटाने लगे कंपाउंड होने लगे और देखते देखते कृष्ण के बाएं अंग से सुंदर एक दिव्य सुंदरी त्रिलुक सुंदरी त्रिलोक की सुंदर जो माधुर्य की भी करने वाली ऐसे एक सुंदरी प्रकट हुई जिनकी नख चंद्र की छटा से लेकर के उनकी मुख कमल मुख कमल और उनकी सिरदेश यह तो भी मस्तक में एक कुंचित तो केस राजी इतने सुंदर रूप से भी था जिनकी वर्णना करना किसी प्रकार संभव नहीं है वह सुंदरी हरिण नयना था हरिणन हिरण के भांति जिनकी आंख कहा जाता है लंबे लंबी है आंख होते है और इतने सुंदर वो सुंदरी है भगवान कृष्ण के निकट तिरछी नजरों के द्वारा दृष्टि दिया और देकर के फिर वो दौड़ने लगे चलने लगी अप्तकाम संग भगवान कृष्ण राम, आत्मा कामता के त्याग दे करके वह रमणी के पीछे पीछे दौड़ने लगे वह सुंदरी तैलक तैलक सुंदरी अपने जो बन मद में मत थे मद मदादि जो बने प्रमोद मान मंडित प्रयानुराग रंजित कला पंडिते अनन्न धन्य कुंज राज्य काम केली को भी दे इस प्रकार इतने मदमत्त वो सुंदरी पीछे की तरफ एक बार भी घूम करके नहीं देख आगे दौड़ने लगे और कृष्ण उनकी अंग की सुगंध है पा करके मधुमत्त के उन्मत्त हो करके अर्थात मधुमक्षी के भांति उन्मत्त हो करके के उनकी प्रेम रस मधु को आस्वादन करने के लिए और उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे कभी ऊंची आकाश के तरफ वो सुंदरी चलने लगे कभी वो, वो सुंदरी दिव्य अपराकित अनेकों पर्वत नदी आदि पार करके कहा एक दिव्य स्थान पर विचरण आदि करने लगे सैन भगवान कृष्ण और उनके पीछे पीछे एक साधारण काम ही पुरुष के भांति दौड़ने लगे पकड़ने के लिए बहुत प्रयास की करने लगे किंतु वो सुंदरी किसी प्रकार उनकी हाथ में नहीं आ रही अनंतर स्वयं कृष्ण के इस प्रकार उत्कंठा आदि देख करके स्वयं सुंदरी कृष्ण के सानिध्य में आ गए निकट में आ गए तब तो उस समय स्वयं कृष्ण उस सुंदर के पकड़ करके पुनः वह दिव्य अलौकिक वृंदावन में पधारे और इसलिए उस सुंदरी के नाम रखा गया राधा कहा गया राधा रामन अनुराग है जो संकृष्ण कृष्ण अत्यंत अनुराग के द्वारा वसीभूत होकर के जिनके पीछे पीछे दौड़ते हैं उसे कहा जाता है राधा राम अनुरागे नावती दी थी राधा संकृष्ण कृष्ण अत्यंत अनुराग से जिनकी प्राप्ति करने के लिए दौड़ते हैं धावन करते हैं दौड़ते हैं इसलिए के नाम रखा गया राधा ये राधा नाम शब्द रूढ़िवाचक कहा जाता है ओरिजिन नाम होता है राधा इसलिए कहा जाता है सर्व वह सुंदरी राधा के समस्त प्रकार के इच्छा को प्रकाश पुरान कर इच्छा को पूरा करने वाली सर्वंशा पूर्ति करे आराधने अत राधे का नाम राधा जी के नाम पुराण में राधा नाम किसा गया और ये नाम है राधा राधा अर्थात जो कृष्ण अत्यंत अनुराग के साथ जिसके पीछे पीछे दौड़ते इसलिए उनके नाम रखा गया राधा देवी कृष्ण वही प्रता राधिका पर देवता सर्व सर्व परा सर्व तंत्र में यह राधा की विशेष एक वैशिष्ट हमारे आचार्य पद दिखाएगी राधा के पांच नाम यहाँ पर वर्णन करते जा देवी कही दूत मना परमा सुंदरी कृष्ण किड़ बसते नगरी यहां पर देवी देवी कृष्ण भक्ता देवी धातु जो क्रीड़ाशील है कृष्ण के साथ अनेक प्रकार की जो है दिव्य क्रीड़ा आदि करते देवी कहा जाता है अथवा जिनकी अंग की इतने सौंदर्य माधुर्ता जो है जिसके देख करके स्वयं कृष्ण भी पागल हो जाते हैं, है कहते हैं मेरे रूप सौंदर्य देख करके जगत के लोग सब मोहित हो जाते हैं यहाँ भी कामदेव भी मेरे रूप के देख करके मूर्छित हो गए इसलिए कृष्ण के एक नाम है क्या मदन मोहन है मदन मोहन मदन की मोहित करने वाले है जब कृष्ण राशला करने के लिए गोपियों की जो है बुलाया बंशी की तान छोड़ दिया है? और गोपियां जब आने लगी रास्ते में आ रही गोपियां निशम गीतम तदनंग ब्रज स्त्री कृष्ण के बंशी धनी सुन करके सारे गोपियां दूर लगा रही है, आ रही है।, है और उसी समय ये कामदेव आगे और कामदेव आगे बोले कृष्ण के बोले मैं बहुत दिन से तुम्हें प्रतीक्षा मैं कर रहा हूं मेरे बाणों से पांच प्रकार जी मेरे बाण जो है मेरे धनुष में पांच प्रकार की बाण है तो कोई भार मेरे कोई भार में पांच प्रकार के बाण है एक बाण की सहन करना किसी के लिए संभव नहीं है तथापि तो मैं एक साथ में पांच बाण को मैं अपने कुई भार में मैं रखता हूं ए? मैं बहुत दिन से मैं प्रतीक्षा कर रहा था काम देव सोचने लगे कृष्ण पुरुष है, है। ब्रह्मा से लेकर के छोटी से चिट्ठी से लेकर के ब्रह्मा तक कोई कामदेव के कटाक्ष से बाहर नहीं जा सकता है, नचा देते हैं अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि के, के, के लिए भी छोड़ दी दूसरे के बाद छोड़ बड़े बड़े ऋषियों के लिए भी कामदेव निचा देते ऐसे ऐसे पुराण में कथा है ए? मेरे इसके मतलब कामदेव एक कहने लगे ए? मैं बहुत दिन से मैं प्रतीक्षा कर रहा था तुम्हारे बाल लीला को मैं देखा सुंदर जो जी को मैं देखा और तुम्हारी सारी क्रिया को मैं देख देख देखा और भी पक जाए तो करूंगा। है आम खाने में कब आनंद कौव होता है जब आम पक जाता है तो काम उसी प्रकार कहने लगे मैं भी बहुत दिन से मैं प्रतीक्षा कर रहा था है किंतु तो आज तुम पक गया तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा है मेरे तोनीर में है कोई भार में है पांच बाण है है पांच बाण के नाम जानते हो काम देखिए पांच बान जी, पंचो पंच है पांच बाण उसमें रखता है, है वो पांच बाण मेरा पास है है एक बाण फेल हो जाए दूसरी तीसरी पांच पांच बाण और मैं एक साथ में पांच बाण तुम्हें छोड़ देता हूँ भगवान कृष्ण कहने लगे बहुत समय तक तुमने लेक्चर दे दिया बहुत अच्छी बात है ए? मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो ना हाँ जी बोले युद्ध तो दो प्रकार की होता है एक होता है परकोठा में परकोठा मैंने एरिया में गृहबंदी स्थान में होता है होता है युद्ध होता है ए? चारी द्वाल के अंदर जो होता है जैसे रंगशाला में रंगशाला चमते हो रंगशाला में युद्ध होता है लड़ते रहते हैं दुख तो उसी प्रकार तुम कहां पर और एक होता है मैदान में खा, बिल्कुल खुला मैदान में तो भगवान कहने लगे काम दे बताओ तुम मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो कौन सा जगह में आते चाहते बोले मैं तो परकोठा में बहुत युद्ध किया सबको पछाड़ दिया एक बार तुम्हारे साथ खोली म, खोला मैदान में युद्ध करता हूँ तो उसमें भगवान कहने लगे देखो जमुना के ऐसे सुंदर उपकूल है, है? इतना विशाल मैदान पड़ा हुआ है खाली मैदान पड़ा हुआ है चलो यहाँ पर करते है? तो उस समय कांधो ठीक है भगवान बोले देखो मेरे पास धनुष कुछ नहीं है है मन मन चिंतन करने लगे राम आदि अवतार में धनुष के दरा तो सब कुछ मैं करके दिखा दिया है ये कृष्ण अवतार में में केवल हाथ में क्या रखता हूँ बंसी वो भी कृष्ण भी कहने लगे है मैं बंसी की भी अपने ए, कवर में फेट में रख लेता हूँ कामदेव बोले अच्छा ठीक है और इतने समझे तैयार हो गए ना हाँ जी काम दे बोले मैं तैयार हो गया मैं भी एक ही साथ में पांच बहनों के मैं छोड़ने वाला हूँ इसी प्रकार कामदेव पांच बानों के जो है अपने धनुष में जो है लगाने लगे और उसमें कितने कृष्ण की इतने सुंदर रूप है उदाम भावल बिरा सूत को सही पाद के निकट कहने लगे ये दारिकापुर में जो पट्ट मह जो है उनके उद्दाम भाव है समुद्र के तरंग के भांति जो भाव उत्पन्न होता था जिनकी सुंदर मंद मन, मुस्काट मुस्काहट है ठो में इतने सुंदर लालिमा युक्त होता था वह समस्त महिषिया भी कृष्ण के भी है आकर्षित कर नहीं पाए और वही कामदेव वही कृष्ण के निकट अभी आकर के कहने लगे मेरे साथ युद्ध करेंगे तो उसने भगवान ने किया कि कृष्ण ने इतने सुंदर रूप का प्रकट किया केवल कृष्ण के रूप ऐसी कारण इसे रूप को देख करके दे। संग महित हो गए और मोहित होकर भगवान उस समय कहने लगे जाओ जब तक मेरा ये राशलीला अर्थात गोपिंद राष्ट्रला नहीं हो जाए तब तक ही काम दे यहाँ पर तुम मूर्छित होके पड़े रहो और वृंदावन बिहारी लाल की जय इसलिए कृष्ण की रासलीला के एक नाम कहा जाता है काम विजय लीला भी कहा जाता है स्वयं कामदेव की भी विजय जनपरा करने वाले काम है अभी जिस कथा प्रसंग में छोड़ दिया राधा जी की जो प्रसंग जो है, है। और विषवानु महाराज प्रातः काल में अभी थोड़ा कृष्ण कथा में प्रातः काल में जब जमुना में जब स्नान करने के लिए प्रातः काल था इतने सुंदर रूप समय था ब्रह्म मुहूर्त काल किसी कल्प में श्रीमती राधिका दोपहर के समय भी जन्म लिया है किसी कल्प में श्रीमती राधिका ब्रह्म मुहूर्त में भी प्रकट हुई थी ऐसे बात इसलिए किसी किसी स्थानों पर दिखाया जाता है ये राधा की जन्म जो है है प्रातः काल में करते हैं किसी किसी मंदिर में भी देखा जाता है राय की जन्म महोत्सव जो है दोपहर में करते हैं पहले पहले हमारे केवल के मठ में गुरुदेव जो है, है। करते थे है फिर दोपहर में जब करते हैं तो तब तो इतने लोग सब भीड़ हो जाता है धीरे धीरे भीड़ होने लगे तो उस समय श्री की अभिषेक जन्म उसमें बहुत बाधा विघ्न होता था इसलिए श्री गुरुदेव है का प्रातः काल में जो है राधा की जन्म महोत्सव यानी अभिषेक आदि किंतु दोनों ही शास्त्र सिद्धांत है इसलिए इसमें भी लिख रहे है, किसी कल्प में राधा जी की प्रकट कब हुई ब्रह्म मुहूर्त में और किसी कल्प में श्रीमती राधे की जन्म हुई कृषि के गर्व से दोपहर की भी कहा गया दोनों ही शास्त्र सम्मत है दोनों ही शास्त्र मान्यता दिया जाता है है तो राधा जी ये बात इस कल्प की जो कथा हम जो थोड़ा जो बताया जो संग विश्वानु महाराज जब जोगुना में गए स्नान करने के लिए और उस समय सैकड़ों कमल की मध्य में और ऐसे सुंदर एक दिव्य गलिका को सहस्त्र कमल सहस्त्र पद्म और सहस्त्र जो है वो पंखुड़ियों के द्वारा परिवेष्टित राह जी ऐसे दिव्य राह जी को प्राप्त किया उसके लेकर के आए और आकर के अपने पत्नी कृतिका सुंदरी को जो है प्रदान किया और ऐसी उसे प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुए इधर नारद ऋषि सर्वत्र भ्रमण करते करते विश्वानुपुर में जब पधारे तब तो विश्वानु महाराज की पूछा ये आपकी कोई संतान हुई तब तो विश्वानु महाराज ने अपने पुत्र को दर्शन कराया किंतु ऋषि कहने कोई पुत्री जन्म ग्रहण किया तो उस समय विश्वानु महाराज है बोले हाँ एक पुत्री संतान हुई है, संतान को मुझे दर्शन कराओ तो विश्वानु महाराज मन मनी चिंतन करने लगे करके प्रकट हुई क्योंकि राधा जी जब नित्य जग नित्य अप्रकट गोलोक वृंदावन धाम से इस धाम में आने के लिए कृष्ण के निकट जब वायदा किया वायदा समय तो है? किया तब उस समय राधा जी बोली देखो हे कृष्ण मैं तो लोक में मैं जाना चाहती हूँ और आपकी लीला में मैं समस्त प्रकार सहायता मैं करना चाहती हूँ है किंतु हमारी ये लीला जो नित्य गोरोग वृंदावन की लीला जो अत्यंत गोपनीय तत्व है अनुग्राह भक्तान मानुसंग दे भजती जासुता तत्परो नित्य गोलोक वृंदावन धाम से जगत में प्रकट कराती हैं जिस इस कथा को कोई श्रवण करे कीर्तन करे स्मरण करे अथवा उस समय कोई जन्म ग्रहण करके वो लीला के दर्शन करे वो साक्षात भगवान को प्राप्ति कर लेते हैं भगवत धाम को प्राप्ति कर लेते हैं कुछ साधन भजन करना नहीं है ए? भगवान जब लीला आदि कर रहे हैं उस समय कोई जन्म ग्रहण कर लिया और भगवान कैसे लीला दर्शन करके वो मुक्त हो जाते और कुछ करना नहीं पड़ता, तो राधा जी उसी प्रकार बोले ठीक मैं तो जाऊंगी तुम्हारे लीला सहायता के लिए मर्त धाम में जहां पर ऐसे सुंदर यमुना देवी हो जहां पर गिरिराज गोवर्धन हो गो गोपी ब्रजवासी लोग कृष्ण बोले मैं अपने जोग में के द्वारा इस धाम के जितने भी वस्तु है प्रकट कर देता हूं ए, उस प्रकार कृष्ण की इच्छा से समस्त गुरु वृंदावन की सारी संपदा प्रकट हुई है तब समय श्रीमती राधिका बोले मैं तो जाऊंगी मर्त धाम में जो जाना है ए, पहले आपकी दर्शन नहीं करूंगे इसलिए श्रीमती राधिका आंख बंद करके यह लीला को प्रकट किया अर्थात जन्म प्रकाश किया विश्वानु महाराज भाव में इतने अपलुत थे डूबे हुए थे विचार करने लगे मेरे पुत्री के तो दृष्टि शक्ति आंख बंद करके तो पता नहीं है कहीं अंधार पति पुत्री नहीं हो जाए है इसलिए जब ऋषि आए तो विचार मनी मनि करने लगे हो सकता है संत महात्म की आशीर्वाद से मेरे बालिका के जो आंख खोल जाए ऐसे विचार करके सं विषभानु महाराज अपने नवजात पुत्री राधिका को जो है नारद जी को दर्शन कराया नारद के ऐसे दिव्य अंग कांति तप्त कांचन गौरांगी ऐसे रूप दर्शन करके भाव में डूब गए मन मन विचार करने ऐसे देव दुर्लभ वस्तु और क्या हो सकता है, है तथा भी मन मन विचार करने लगे जे और विश्वानु महाराज भी अत्यंत दीनहीन होकर कहने लगे महाराज मेरे पुत्र की आप स्वस्ति वाचन करा दीजिए है जी तो बोले जाओ स्वस्ति वाचन की सामग्री है लिया तब उस समय विश्ववान महाराज स्वस्थी वाचन के सामग्री जन चावल फूल और ए, रोली आदि ये सब संग्रह करने के लिए गृह में अंतर गृह में प्रवेश किया उस समय राधा जी नारद जी के सामने में है छोटू बालिका के रूप में ही विराजमान है और देखते देखते राहुल की अष्ट सखिया जो ललिता विशाखा आदि समस्त अष्ट सखिया सारी तरफ सोलह वर्ष साल की लड़की के भांति प्रकट हुई और देखते देखते राधा जी भी वह सखियों के भांति सोलह वर्ष या साल की लड़की में इतने सुंदर दिव्य रूप प्रकट किया और उसके देखकर के नार ऋषि तो लग, के शरीर तो कंपन होने लगे कपने लगे ऐसे दिव्य राधा जी के शरीर में है उस ललिता देवी कहने लगे हे नारद ऋषि जल्दी-जल्दी राधाय की स्तुति कर लीजिए है तो उसमें नारद जी ए मुनिन्द्र वंदिते तिलक सो कहारिरी प्रसन्न भक्त पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी वजंद्र सुनु संगते कदा करि सस्यमा कृपा कटाक्ष वाजनम है इस प्रकार नारद ऋषि राधा कृपा कटाक्ष की स्तुति आदि करने लगे विषभानु महाराज समस्त की जो है <coughs> को एकत्रित करके जब आए तो अब देखते देखते ही ये समस्त सुखिया और सुखिया अंतर्दान हो गई और पुनः श्रीमती राधिका छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे की भांति वहां पर विराजमान हुए और और ऋषि लोक रीति के अनुसार उनके जन करके और बिना बजाते हुई नार ऋषि से प्रस्थान हुए प्रस्थान कर चले गए और इधर विश्वभानु महाराज और कृतिका सुंदरी ऐसे सुंदर पुत्री की तो प्राप्ति हुई किंतु मन में दुख है कन्ना तो प्राप्ति हुई सुंदर तप्त तो कंचन गौरंगी ंगज इतने सुंदर है उनके केस कोलाप से लेकर क्या वर्णन करें बहुत सुंदर सुंदरी वो दुखित होकर बैठी और इतने समय नंद महाराज और जसोदा मन मन विचार करने लगे मुझे तो पुत्र संतान प्राप्ति हुई और मैंने भी सुना विश्वानु महाराज की एक भी सुंदरी गणना हुई किंतु सोना जी उनकी आंख बंद है। आते हैं और उनके कुछ संतना दे करके आते ऐसे विचार के नंद जसोदा अपने बालक गोपाल के लेकर के विश्वानु महाराज के गृह में पधारे और विश्वानु महाराज नंद जसुदा के प्राप्त करके और मित्र थे और मित्र प्राप्त करके आनंद में और बाहर में विश्वभानु महाराज नंद महाराज के साथ वार्तालाप करने लगे कुशल आदि पूछने लगे और इधर चंचल कृष्ण है दशा के छोड़ करके के पास जहां पर राधा जी सोई हुई है और उनके वक, वक, उनके वक्त स्थल पर जा करके ऐसे कर हे राधे तुम आँख खोलो मैं ही आ गया उस समय छोटी राधिका है आँख खोला देखा कृष्ण की दर्शन किया है आंखों में आँख मिलाया है नयन में नयन मिलाए रहे कहते ना है देखो और अंत में है? इसके पश्चात जो है छोटी बालिका जैसे सामान्य बालिका की भांति रोने रोना शुरू कर दिया है तब तो उस समय विश्वानु महाराज और कृतिका देवी जल्दी अंदर में आए देखा जो श्रीमती राधिका पालना में सोए हुए हैं और उनकी आँख खोले हुए है देख करके बहुत प्रसन्न हुए और नंद जसदा की जो है प्रशंसा करें ये आप लोग हमारे गृह में इसलिए भगवान की कृपा से और हमारी पुत्री के जो है आ प्रकार लीला वृत्तांत भी बताएगा बोलो राधा रानी की जय बोलो राधे 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 जय जय जसी राधी राधे 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 जय जय जसी राधा रानी की जय महारानी की राधा रानी की जय महा रानी जय ब्रज जय श्याम सुंदर जय नंदला राधा रानी जय ब्रज के करे, 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 के जन्म कोई श्रवण करें कीर्तन करें स्मरण करें मृत्यु के पश्चात सक्षात रूप में दिव्य धाम में वो गमन करें ऐसे शास्त्र में कहा गया के जन्म रात को श्रवण करें कीर्तन करें करे, और स्मरण करें साक्षात रूप में भगवत धाम में वो चले जाएंगे वो तो मैंने उनको बोल था बोला था उनको बेटी को आज अन्न प्रसन्न करना है, है?

जय जय श्री राम राधा रानी की जय महारानी की जय राधा की जय राधा रानी की जय 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 राधा रानी जय ब्रज राधा रानी जय से मत सुंदर जय नंद ला जय सुंदर नंदी राधी राधे जय 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 श्रीरा मृत राधे राधे राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय री गली राधा राधा नाम सखी तेरी गली तो रटो राधा राधा नाम सखी तो तेरी गली ओन मी तो रटो राधा राधा नाम तो सखी तेरी ओ राधे 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 जय 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 श्री राधे अरे आप पहले लिया राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 हलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम जय जय राधा रानी जय ब्रजपाला जय राधा रानी जय जय शम सुंदर जय नन्द लाला जय शम बोलो जय राधा रानी जय ब्रजवा जय ब्रज

जय जय श्री राधे हरि बोल दनवत प्रणाम गुरुदेव नमोदप प्रणाम हरि कृष्ण हरे कृष्ण गुरुदेव दनवत प्रणाम दनवत प्रणाम गुरुदेव सेकंड दनवत प्रणाम गुरुदेव कृष्ण प्रणाम गुरुदेव दनवत प्रणाम गुरुदेव दनवत प्रणाम गुरुदेव हरे प्रणाम गुरुदेव कृष्ण दनवत प्रणाम गुरुदेव दनवत प्रणाम गुरुदेव

वाय गो ब्रमण हिताय चगदेताय कृष्णा गोविन्दा नमो नम स्वस्ति नो गोविंद स्वस्तिनो अच्युता स्वस्ति वासुदेव विष्णु

हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे ओम प्रजापति विष्णु ऋषि गाती छंद श्री विष्णु देवता

पढ़िए नेम मोमो पुत्री कत्तायनी तोदियो सुबो महाप्रसादो अन्नप्राशने विनियोग ओम अच्युत अन्नपते अन्नस्य नो देहि अवनियस्य सुस्मिनम

श्री विष्णु देवता प्रयोगी पी, विनियो श्री जनार्दन देवता कुमारी क्या नाम बताया दत्तायणी महाप्रसाद अन्न प्राशने विनियो ओम जनार्दन प्रासुन अन्नपते कृणुत अन्नं नो तेहि पिजु सप्तं ते ते अन्नं जतयुगम जुगे नो दे दीपदे चतुष्पदे स्वाहा ओम अपनाय स्वाहा ओके यू गिव सम देन थर्ड पद ओम प्रजापति विश्व ऋषि गायत्री छंद श्री लक्ष्मी नारायण कत्तायनी अन्न प्रसन्न प्रसन्ने महाप्रसाद अन्न ओम लक्ष्मी नारायण अन्नपते अन्न अमृत <laughs> नो दे कमला संस्कृत शेषं

देवता कुमारी महाप्रसाद अन्न को, विनियन पते जग्गम अन्न अभिजग नो दे दुर्लभ सुधाजूतं, नो दिपदे चतुष्पदे स्वाहा उदनाय स्वाहा

अमृतम शीतम शीतम निवेदितम ते नो देहि कृमि नो देहि त्रि पदे चतुष्पदे स्वाहा ओम वनाय स्वाहा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम आरे राम राम हरे हरे इति अन्नप्राशन इति अन्नप्राशन कार्य समाप्त ओं कर्म कार्य पंचरात्रि वैष्णवाय अपर वैष्णव ब्राह्मण वेश दक्षिणा दद्दा तथा काशनी वैष्णवेश कुर्जा यथा शक्ति जीव जीव सन्तर्पण सं, चथो अन्नप्राशन अनतर పుత్ర మూర్ధిభి గ్రహణ శ్రీ విష్ణు శ్రీ విష్ణు శ్రీ విష్ణు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే ఓం శ్రీ విష్ణు శ్రీ విష్ణు శ్రీ విష్ణు వన్ ప్లేట్ టు పుట్ ద అండ్ బ్రీ బుక్స్ And oh, yeah. Gita, oh, yeah. and that is called, taste the, what is his? What is her? Yeah. So, we have done two before. Is and What one? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण